नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाव नोएडा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी और मुंबई के विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुंबई में गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी सहयोगी राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की वर्ष 2006 में फर्जी मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया है। वहीं 13 अन्य आरोपियों की दोष सिद्धि भी बरकरार रखी है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की बेंच ने कहा, अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि गुप्ता को पुलिस द्वारा मार दिया गया था और इसे एक रियल एनकाउंटर की तरह देखा गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून के रक्षकों संरक्षकों को वर्दी में अपराधियों के रूप में कार्य करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और अगर इसकी इजाजत दी गई तो इससे अराजकता फैल जाएगी। बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय ठोस और कानूनी रूप से स्वीकार साक्ष्य के साथ फर्जी मुठभेड़ में गुप्ता के अपहरण गलत तरीके से कैद किए जाने और हत्या को उचित संदेह से परे साबित किया। हाईकोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के ये साबित किया है कि जब राम नारायण आरोपियों की कैद में था तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इसे छुपाने के लिए इसे वास्तविक मुठभेड़ का रंग दिया गया। बेंच ने सबूतों के अभाव में शर्मा को बरी करने के सत्र न्यायालय के 2013 के फैसले को रद्द कर दिया। प्रदीप शर्मा 1983 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वो मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अपनी मुहिम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गावली और साथ ही साथ अमर नाइक जैसे गैंगस्टर के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस अंजाम दिए। वर्ष 2010 में शर्मा को राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की फर्जी मुठभेड़ में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2017 में वो पुलिस फोर्स में भी फिर से शामिल हो गए और आगे चलकर तत्कालीन आयुक्त परमवीर सिंह के अधीन ठाणे पुलिस में एसीपी के रूप में कार्य किया। इसके दो ही साल बाद जुलाई 2019 में उन्होंने अविभाजित शिवसेना में शामिल होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने मुंबई के नाला सोपारा से विधानसभा चुनाव लड़ा जिसमें वो हार गए। वर्ष 2021 में प्रदीप शर्मा को एंटिला विस्फोट मामले और मनसुख हिरेन हत्या मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए द्वारा दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। शर्मा पर हिरन के शव को ठिकाने लगाने में शामिल होने का आरोप था। हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को गलत और नहीं टिकने लायक करार दिया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने शर्मा के खिलाफ अपशब्द पर्याप्त सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। सबूत मामले में उनकी संलिप्तता को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं। 11 नवंबर 2006 को एक पुलिस दल ने राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया को नवी मुंबई के वाशी से इस संदेह पर पकड़ा था कि वो राजन गिरोह का सदस्य है। उसके साथ उसके दोस्त अनिल भेड़ा को भी पकड़ा गया था। गुप्ता को उसी शाम पश्चिम मुंबई के उपनगरीय वर्सोवा में नाना नानी पार्क के पास एक फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया था। अदालत ने कहा कि शर्मा को आपराधिक साजिश, हत्या, अपहरण और गलत तरीके से कैद करने सहित सभी आरोपियों में दोषी ठहराया जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। पीठ ने शर्मा को 3 सप्ताह में संबंधित सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने मंगलवार को 13 व्यक्तियों को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाने को भी बरकरार रखा है। इसमें 12 पुलिसकर्मी और एक नागरिक शामिल है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में पूर्व पुलिसकर्मी नितिन सरतापे, संदीप सरकार, तनाजी देसाई, प्रदीप सूर्यवंशी, रत्नाकर कांबले, विनायक शिंदे, देवीदास सपकाल, आनंद पटाड़े, दिलीप पलांडे, गणेश समेत एक नागरिक हितेश सोलंकी समेत अन्य लोग शामिल हैं। हाईकोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों की दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। मनोज राज, सुनील सोलंकी, मोहम्मद शेख, सुरेश शेट्टी, ए खान और शैलेंद्र पांडे को बरी कर दिया गया। ये सभी नागरिक हैं। गुप्ता के सहयोगी अनिल भेड़ा दिसंबर 2006 में रिहा हो गया। हालांकि जुलाई 2011 में अदालत में गवाही देने से कुछ दिन पहले भेड़ा का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल राज्य सीआईडी मामले की जांच कर रही है। शुरुआत में 13 पुलिसकर्मियों सहित 22 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के बाद 2013 में सत्र
अदालत ने 21 आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव में शर्मा को बरी कर दिया था, जबकि दो व्यक्तियों की हिरासत में मौत हो गई थी। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों ने अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की। वहीं अभियोजन पक्ष और मृतक के भाई राम प्रसाद गुप्ता ने शर्मा को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। विशेष लोक अभियोजक राजीव चव्हाण ने दलील दी कि वर्तमान मामले में जो अधिकारी कानून और व्यवस्था के संरक्षक थे वो स्वयं एक निर्मम हत्या में लिप्त थे। मामले में शर्मा को दोषी ठहराने का अनुरोध करने वाले अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि पूर्व पुलिसकर्मी अपहरण और हत्या के पूरे अभियान का मुख्य साजिशकर्ता था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।